कैसा है मादीपुर विधानसभा में, और मादीपुर में क्या हालात हैं पिछले 5 साल से, ये तो आप ही बता सकते हैं, तो बताइए कि किस तरह से यहाँ के आप हालात देख रहे हैं, क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? जी, पिछले 5 साल से जो मैडम जी मादीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात हैं, यहाँ पे सबसे जो मेन समस्या है वो जो नाली नहीं, हमारी नाली हैं, सीवर और गंदे पानी की मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। पिछले 5 साल से विधायक जी ने इन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हमने इसी चीज़ पे फोकस किया है ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, या फिर जैसे ट्रैफिक है इन सबको लेके। नहीं नहीं, ट्रैफिक बहुत कंजक्शन रहता है, आप देख लीजिए, ट्रैफिक पे कोई ध्यान नहीं है लोगों का, पोल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें करते हैं लोग। और जैसे CCTV कैमरेज वगैरह से लोगों को भाई आने जाने में दिक्कत नहीं हो, और उनके जिस तरह आपराधिक गतिविधियाँ भी हैं जो भी हैं दिल्ली में, सर कंट्रोल कर सके तो। पिछले 4.5 साल में इन्होंने कोई CCTV कैमरे नहीं लगाए, जब इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन मोड आया, तो इन्होंने CCTV कैमरे कुछ जगह जगह इन्होंने लगा दिए हैं, सिर्फ पब्लिक को एक अपनी तरफ माहौल करने के लिए, अदरवाइज आप देख लीजिए कहीं CCTV कैमरे है ही नहीं। मतलब आप रिपोर्ट कार्ड में देते हैं केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? मैं तो जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात है, मैं 10 में से 4 नंबर नहीं दे पाऊँगा। जनता जो है वो नाखुश नज़र आ रही है, वहीं मेरे पास में और भी कुछ लोग हैं जी, तो वहाँ पे उनसे भी मिलके हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार आप क्या देख रहे हैं, कि BJP की सरकार बनते हुए देख रहे हैं या अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने भी काम किया पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ। देखिए, शायद पता नहीं आपको कहाँ से सुनाई देगा कि केजरीवाल जी ने काम किया है। नहीं, ये हमारा ओपिनियन नहीं, हम तो पब्लिक के व्यूज़ ले रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है कि भाई केजरीवाल ने काम किया है। मैं आपको बताऊँ, अगर किसी एक आदमी को एक ही चीज़ बार बार उसके कान में डाली जाए, बार बार डाली जाए, तो उसके दिमाग में वही घूमता है, वैज्ञानिक तौर पे भी अगर देखा जाएगा तो। लेकिन सच्चा हकीकत जो ज़मीनी स्तर के ऊपर देखा जाए, तो सिर्फ जो फ्री का जो इन्होंने प्रचार किया है, वो फ्री दिया भी नहीं है किसी को। आपको सच बताएं, जो फ्री की स्कीम जो चला रहे हैं, सिर्फ ऐड है, एडों के ऊपर 1000 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च कर दिया। सड़क पर निकलिए, जगह जगह आप देखेंगे कि अच्छे बीते पिछले 5 साल इनका। ये सिर्फ अच्छे बीते हैं बोला है उन्होंने, लिखा है जो उन्होंने, लेकिन बुरे बीते 5 साल। नहीं तो आप पिछली बरसातों के अंदर यहाँ अगर आते, इस मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ था, जो PWD के जो नाले सारे दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, जो अच्छे बीते अगर होते हैं तो हमारे PWD के नाले क्यों नहीं आज तक बने। अगर गाँव मादीपुर गाँव जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पर आइए, मादीपुर विधानसभा के अंदर गाँव के अंदर सीवरेज की इतनी बड़ी समस्या है कि घर से जब बाहर निकलते हैं तो सीवर का पानी गंदा जाता है और अंदर पैरों से घरों में जाता है, और छोटे बच्चे जो घरों में नीचे बैठते हैं उठते हैं उनको बीमारियां लग रही है। आज पानी गंदा आ रहा है पीने का, अगर अस्पतालों में आप जाकर देखें तो 90% मरीज ऐसे लोग हैं जो पानी पीने की बीमारी की वजह से लग रहे हैं। आप फ्री इलाज के नाम पर हमें पहले बीमार कर दोगे और फिर फ्री इलाज दोगे, कोई फ्री इलाज अस्पतालों के अंदर नहीं मिल रहा है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाके देख लीजिए, कोई फ्री कहते नहीं है, आप दवाइयाँ कह रहे हो फ्री, लाइनों में इतना लग रहा है, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, कोई दवाई फ्री नहीं मिल रही है, सिर्फ झूठे वादे। इस विधानसभा के अंदर ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, कूड़े खाने के मोहल्ला क्लिनिक, अगर आप देखें इस पूरी विधानसभा के अंदर एकमात्र मोहल्ला क्लिनिक खुला था, वो भी न्यू स्लम है, वो भी बंद हो चुका है, आप जाइए वहाँ पर ताला लग चुका है। और जो और दो अभी पिछले चुनाव से पहले महीने भर पहले एक दो इन्होंने काहे की शिलान्यास करे हैं, एक मादीपुर गाँव में कहीं कोई जंगल के अंदर खोला है इन्होंने, वो भी बंद पड़ा है, उसका ताला लगा, आप जाकर के देखिए, ऐसी तो इनकी स्वास्थ्य सुविधा है, तो कहाँ से। यानी कि केजरीवाल का यहाँ पर भी फ्री का फंडा जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, लोगों में गुस्सा जो है वो बिल्कुल चरम पर ही पहुँच चुका है। आपने देखा कि अगर आप चाहे सीवर और बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूरे दिल्ली में यही समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं लोगों से, और आगे भी हम जानते रहेंगे किस तरह से लोगों के क्या ख्याल हैं कि किसकी सरकार बनती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों के विचार जानते रहेंगे।